कहां से चले आते हो रे? मेहमान बन के आयो तो खाओ पियो, घूमो फिरो और चलते बनो। उसके अलावा अगर हमारे देश में कोई भी गड़बड़ की, किसी लड़की पर बुरी नजर डाली तो सर 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 थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी जब उन लोगों ने अटैक किया। आप अगर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा बॉयफ्रेंड डरपोक निकला, वो भाग गया। सिर्फ तुम लड़कियां ही नहीं, हम इंडियंस को बिगाड़ने में नेताओं का भी बड़ा हाथ है। पब्लिक से वोट लेके चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाते हैं। हमारे युवाओं को अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तुम नादान लड़कियां लव 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 के पीछे भागती रहती हो। तुम एक पते की बात बताता हूं, जब तक लड़कियां बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, बेवकूफ बनाने वाले लड़कों की कमी नहीं रहेगी। इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी एज की है। इस उम्र में लव नाम का भूत सवार होता है। प्यार में धोखा खाने के बाद जब तजुर्बा हो जाता है तो लाइफ ग्रेट हो जाती है। लव के पीछे भागने वाली अक्सर तुम जैसी जज्बाती लड़कियां होती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम तुम अपनी लाइफ के लिए भागी। इसकी भागने की स्पीड से पता चल रहा है कि ये पीटी उषा बनेगी या हेमा दास। आई डैश इट। आप हमेशा आई लाइक इट ही कहते रहते हैं सर, लेकिन आज तो आई डैश इट कह रहे हैं सर। बात क्या है सर? लोगों के पास दिमाग बहुत है, उन्हें वही सोचने दो जो उन्हें पसंद है और जो वो चाहते हैं। संतोष। ओहो राजेंद्र, बताओ क्या हाल है? कल रात को 7 बजे पार्टी रखी है, मिस मत कर देना, आ जाना। डोंट वरी, एग्जैक्टली 7:30 आई विल बी देयर। ओके अपने पत्नी को डिवोर्स दे दिया। क्या कहा तूने? अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया? हाँ यार, वो बहुत बैकवर्ड थी, वो मेरे स्टेटस को मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे? कॉलेज के दिनों में मुझे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया था, जिमी नाम था उसका। लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार हो गई है, मैंने भी यही सोचा। तो फिर तेरे बेटे का क्या होगा यार? बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा दूंगा उसे। अबे यार, बीवी के साथ डिवोर्स हो गया, तू यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है? एंजॉयमेंट बोल के अपने फैमिली को धोखा नहीं देना चाहिए। संतोष को ही देख लो, लव में हार गया, लाइफ में जीत गया। इसके पिता ने जो लड़की पसंद की उसी से इसने शादी की। जिंदगी में जिसे चाहो अगर वो लड़की ना मिले तो जीने का क्या फायदा मेरे दोस्त? अब अपने संतोष को ही देख लो। संतोष तुम खुश हो क्या? सच बोलना मेरे दोस्त। ये क्या बोल रहा है यार तू? तुम लोग पार्टी कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ। ए संतोष, ए संतु, मेरी बात सुन। अरे संतोष, मेरा मतलब वो नहीं था, रुक जा। संतु, मैं एक लड़की से प्यार करता था और वो मुझसे बहुत दूर चली गई। मैंने अपने पापा की बात मानकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। सुनो, रामनाथ की बेटी गौरी के साथ तुम शादी कर लो। तुम अपने पिताजी के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या बेटा?
सुनी सुनी ना, वो खाना तैयार है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम खाना खाकर सो जाओ। बरसा दे खुशी।